देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी की 70वां जन्मदिन के अवसर पर पोभी पंचायत सचिवालय परिसर में हिरोडी भाजपा मंडल प्रभारी केदार प्रसाद यादव रामानंद सिंह नीमाडी में हिरोडी मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में फलदार छायादार पौधारोपण व मिठाई वितरण कर प्रसन्नता जाहिर किए। उक्त अवसर पर पोभी मुखिया नकुल कुमार पासवान, युवा समाज सेवी बीसी बीएलसी योगेश कुमार पांडे, लखन लाल साव, विक्रम गुप्ता आदि ने विचार व्यक्त किया। वहीं साहू समाज जमुआ विधानसभा स्तरीय कमेटी के द्वारा साहू धर्मशाला जमुआ में जन्मदिन मनाई गई। लोगों ने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर कर बधाई दिया। पोभी जमुआ में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं तथा इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। पिता दामोदर दास मोदी और माँ हीराबेन के 6वें संतान में से तीसरे नंबर के है। इनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। माँ दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करती थी और पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक कच्चे मकान में पूरा परिवार रहता था। गरीबी के कारण दो वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। संघर्ष भरे माहौल में मोदी जी ने बहुत छोटी उम्र में ही जीवन के कई ऊंच नीच पड़ाव देख लिए। बचपन से ही इनको पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक था। यह बचपन से ही स्वामी विवेकानंद एवं उनके विचारों को अपना आदर्श मानते थे। विश्व मोदी जी के कुशल नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। विपक्ष को अच्छी राजनीति से परहेज करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुआ विधानसभा स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार साहू, सचिव प्रवीण कुमार साहू, संयुक्त सचिव पंकज कुमार साहू, महिला मोर्चा की अध्यक्षता मंजू देवी, सचिव राखी देवी, परमेश्वर यादव एवं कोर कमेटी के गणमान्य सदस्य गण मौजूद थे। आज देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर हम लोग दिव्यांगों के बीच सामग्रियों का वितरण, पौधों पौधारोपण और गरीबों के बीच विभिन्न आवश्यक सामग्रियों का वितरण करने जा रहे हैं। चूँकि देश के आंतरिक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की जो कृतियां हैं ये अमर गाथा के रूप में लिखी जाएंगी और उन्हीं कृतियों को आप स्वरूप हम लोग 14 सितंबर से इस पूरे महीने को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज हमारे देश के परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी के तत्वाधान में आज पोभी पंचायत में भी हमारे तमाम यहाँ पे राजनीतिक दल के नेतागण एवं मीडिया प्रभारी भी उपस्थित हैं। सबों की उपस्थिति में मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश में हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसको विश्व गुरु का दर्जा मिलने जा रहा है और वो मुमकिन तभी हुआ जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हुए। धन्यवाद। जमुआ प्रखंड अंतर्गत पोभी पंचायत भवन परिसर में माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है और पूरे देश में मोदी जी का
जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आज उसी तत्वाधान में कोमी पंचायत भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश में उत्साह है और पूरे देशवासी उत्साहित हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक कुशल नेतृत्व का अनुभव कर रहा है। पूरे विश्व में सारे दुश्मन मोदी जी के नेतृत्व से नतमस्तक हुए हैं। आज जो चीन हमेशा दुश्मनी करते थे, पाकिस्तान आंख दिखाने का काम करता था, सारे नतमस्तक हो गए और हमारा देश को एक सफल नेतृत्वकर्ता मिला है। आज बहुत ही अनुभूतिपूर्वक उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है और उसी के तत्वाधान में यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा और कुछ गरीबों को मिठाई व फल वितरण किया जाएगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन पूरा हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। प्रत्येक जो भी गरीब गुरबा हैं, वंचित हैं, मरीज हैं, उन सबों के बीच फल का वितरण साथ ही पौधारोपण किया जा रहा है। इनका मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर हिंदुस्तान फिर से अग्रसर हो चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का जो स्थिति है पूरे देश में शक्तिशाली के रूप में उभर के आया है। जो देश है, आप जानते हैं कि पहले भारत के प्रधानमंत्री जाते थे विदेश, तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, आज पूरा विश्व इनको बुलाने के लिए, इनका बातें सुनने के लिए लालायित रहती है। इनका जो नेतृत्व क्षमता है बिल्कुल ही स्पष्ट है और सहयोगात्मक है, विकासवादी है, लेकिन विरोध की जो राजनीति होती है वो अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा याद कीजिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, चीन ने जमीन को हड़प लिया, आज उन्हीं का खानदान का एक राहुल गांधी जी, पप्पू लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी जमीन वापस कब दिलाओगे, शर्माने चाहिए। आपके कार्यकाल में, आपके जो है मंत्री कार्यकाल में ऐसा हुआ है और आप बोलते हैं राजनीति करनी चाहिए तो स्पष्ट कीजिए, दिग्भ्रमित नहीं कीजिए। जनता देख रही है, आपने कहा था कभी, याद कीजिए चुनाव के वक्त, चौकीदार चोर है, लेकिन मोदी जी चोर नहीं थे। जितना आपने चोर कहा मोदी जी को, पूरी जनता जो है उनके साथ खड़ी हुई और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसका परिणाम आपने देखा क्या हुआ। इसलिए जो है भारत नवनिर्माण की दिशा में सभी आइए और एक कदम से कदम बढ़ाइए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आज पूरा विश्व मान चुकी है कि मोदी जी ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ लीडर है और इनके नेतृत्व में भारतीय क्या पूरा विश्व का विकास होने जा रहा है। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।